छठ पूजा नहा खा के दिन से शुरू हो जाता है। उस दिन रोटी और खीर का प्रसाद बनाया जाता है, वो रोटी खीर खाएंगे रात को। उसके खाने के बाद से वो शाम वाला दिन पूरा रात निर्जला रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, जहां पे छठ के उपलक्ष में जो है आने जाने वाले यात्रियों के लिए टेंट लगाए गए और रहने की व्यवस्था की गई है, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। हमारे साथ बिहार के कुछ लोग मौजूद हैं जो जा रहे हैं छठ मनाने के लिए, तो आइए उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से छठ का जो पर्व है ये मनाया जाता है और क्या कुछ मनोकामनाएं पूरी होती हैं और क्या उद्देश्य होता है छठ के उपवास का। तो बता सकते हैं छठ किस लिए मनाई जाती है? छठ पूजा एक आस्था का पर्व है। हम लोग डूबते सूरज को और उगते सूरज के हम बिहारवासी इसका पूजा करते हैं। हाँ जी। और ये चार दिनों तक ये पूजा चलता रहता है। हाँ। हमारे घर में जितने भी लेडीज औरतें हैं सब चार दिन छठ पूजा मनाते हैं। चार दिन छठ पूजा मनाती हैं। हाँ जी। तो किसके लिए होती है? बच्चों के लिए होती है या बच्चे के लिए होते हैं? अपने लिए होते हैं ऊपर। हाँ, कि बच्चे से सही सलामत रहे, हमारा कोई मतलब कोई बात हुआ उसमें हम बोल दिए कि हमारा ये काम हो जाएगा तो छठ पूजा करेंगे, इसलिए भी करते हैं। हाँ जी। इतनी मान्यता है कि अगर आप कुछ मन्नत मांगी जाती है छठी मैया से वो तो? हाँ जी, वो भी पूरी होती है। अगर कोई कुछ मांगते हैं तो वो भी पूरी, जिसे औलाद नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, वो भी पूरा हो जाता है। वो भी पूरा हो जाता है। तो आपके घर में छठी कौन करती है? हमारी माँ करती है, माता जी। आपके माता जी करते हैं? तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि सास ही बहू को आगे देती है तो? हाँ जी, अगर सास बहू को दे दी या सास ना भी दी, बहू ने अगर बोल रखा है, मन्नत मांग रखा है तो वो भी कर सकती है। वो भी कर सकती है। तो क्या क्या किस तरह से शुरू होता है ये छठ? शुरू ये छठ पूजा नहा खा के दिन से शुरू हो जाता है। उस दिन रोटी और खीर का प्रसाद बनाया जाता है। अच्छा। उसके अगले दिन खरना होता है। हाँ। फिर शाम वाला होता है जो हम डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। हाँ। और कल हो के सुबह जब छठ पूजा सुबह के टाइम में खत्म हो जाता है। तो जब सूरज उगता है और जब शाम होती है, क्या पूरे दिन में निर्जला रहना? हाँ जी, ये सुबह जब खरना वाले दिन जो रात को जो व्रत रखती है। हाँ। वो रोटी खीर खाएंगे रात को। अच्छा। उसके खाने के बाद से वो शाम वाला दिन पूरा रात निर्जला रहेंगी। निर्जला रहेंगे मतलब अगर देखा जाए तो दो से तीन दिन। हाँ जी, हाँ जी। इतनी शक्ति होती है? शक्ति, हाँ जी। इतनी है कि कोई परेशानियाँ नहीं आती? कोई अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा छठ पूजा करने वाला आज तक कोई मतलब महिलाएं को कुछ हुआ नहीं। हाँ। तो आपके घर में कौन करते हैं? मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड है? तो क्या लगता है कि कोई स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं आती? नहीं। क्या वजह है, क्यों नहीं आती? मतलब एक दिन अगर प्यासा रहना पड़े तो शाम तक हालत खराब हो जाती है। दो दिन प्यासा रहना या तीन दिन प्यासा रहना, छठी मैया साक्षात रहती है नैन के ऊपर, इस वजह से वो अपना व्रत पूरा कर पाती है। हाँ। तो क्या लगता है आप कब से करेंगे? भगवान मेरी जब मनोकामना पूरी कर देंगे जब मैं भी करूँगी। कोई मनोकामना मांगे? हाँ। या फिर सासू माँ बोलेंगी कि अब के बाद तुम करोगी तो करोगे? हाँ, सास जब बोल देंगी करने के लिए जब करूँगी तब करूँगी। क्या लगता है, कैसा लगता है? जैसे दिल्ली में रहते हैं आप लोग? हाँ, हाँ। यही काम करते हैं सर? हाँ। तो जब आप बिहार जाते हैं कैसा लगता है? क्योंकि अच्छा। वैसे तो अच्छा मौका ही नहीं मिलता होगा जाने का। नहीं मिलता। बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा में वहाँ पे। हाँ। बहुत क्या लगता है पूरा त्योहार? हाँ बहुत। हाँ हाँ। तो अभी आप जा रहे हैं दिवाली भी वहीं मनाएंगे? हाँ, दिवाली भी वहीं मनाऊंगी। हाँ। तो जिस तरह से आजकल अलग अलग परिवार रहते हैं और दिन त्योहारों पे इकट्ठा होते हैं, क्या लगता है अलग अलग रहना ज्यादा अच्छा है या संयुक्त परिवार? नहीं, संयुक्त परिवार में रहना ज्यादा अच्छा है। संयुक्त में रहना ज्यादा अच्छा है। हाँ। जी, तो आप भी जा रही हैं मनाने? जी। कैसे कैसे मनाते हैं आप भी? रखते हैं छठ का? नहीं, मेरी मम्मी करती है। मम्मी करती है। कैसा लगता है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं? बहुत अच्छा लगता है। बाहर में तो अकेले रहते हैं, गांव में जाके अच्छा लगता है परिवार के साथ। परिवार के साथ अच्छा लगता है, इसलिए त्योहार मनाने हम लोग गांव जाते हैं हर साल दिवाली छठ मनाने। अच्छा, आनंद विहार में मौजूद हो, व्यवस्था जो है क्या सही है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, मतलब इतने टाइम तक जब तक ये चलेगा आप लोगों का आने जाने की जो रहेगा, सुविधाएं हैं, हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ की तरफ से? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे आप? आप भी जा रहे हैं साथ? हाँ। कैसा लगता है परिवार से? अच्छा लगता है, साल में एक बार सब एक साथ मिलते हैं। हाँ, एक साथ मिलते हैं। क्या लगता है संयुक्त परिवार होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए? संयुक्त होना चाहिए। दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में नहीं, मतलब मेरी भाभी लोग रहती थे, भैया के साथ आए थे। अच्छा, भाभी लोग रहती हैं। हाँ।
कहाँ से आए? सूरत से। आप सूरत से आए हैं बिहार जाने के लिए? हाँ। सूरत से पहले दिल्ली हो? दिल्ली? हाँ हाँ हाँ, यहाँ मामा मामी है, भैया भाभी है, उनके यहाँ आए हैं, फिर दिल्ली से बिहार जा रहे हैं। अच्छा, फिर बिहार जा रहे हैं? बिहार से फिर सूरत जाएंगे। बिहार से फिर सूरत जाएंगे, मतलब एक परिवार के साथ समय बिताने का। देखिए, पर्व तो होते हैं कि इंसान दिल्ली में भी मना सकता है, सूरत में भी मना सकता है, लेकिन हमारे पूरे परिवार बिहार में ही है ना। हाँ। यहाँ नहीं है तो यहाँ रह के क्या होगा, सिर्फ उनके अच्छा नहीं लगता, यहाँ अच्छा नहीं लगता, क्या वजह है फिर? आप गाँव में पूजा छठ ये बच्चों लोग के पढ़ाने के, इनके पापा गाड़ी चलाते हैं ना, काम करते हैं, तो इनके लिए रहना पड़ता है बाहर में, अकेले उनको परेशानी होता है, इसीलिए साथ में रहना पड़ता है। साथ साथ में देखा जाए, क्या लगता है बिहार में अगर नौकरियां होती? हाँ, तो वहाँ के ना पड़ता, बाहर में नहीं जाना पड़ता, नहीं, बाहर में हर चीज़ खरीद के खाना है, गांव में अपना खेती बाड़ी है, राशन पानी कोटा मिलता है, हर चीज़ क्या सुविधा है, यहाँ तो कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, थोड़ा भी कोई है तो खरीद के ही खाओ पियो, पानी दूध हर चीज़, वहाँ तो पानी अपना होता है, यहाँ तो पानी भी खरीद के पियो, पानी। हाँ, क्या लगता है बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा तो फिर सूरत जाने का नहीं? नहीं 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 नहीं, बिहार में ये नहीं है, अगर हो जाए तो हम लोग बाहर क्यों जाएंगे, अपना घर परिवार खेती बाड़ी छोड़ के बाहर क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं होता है, बहुत तकलीफ है, अपना घर परिवार खेती बाड़ी सब छोड़ के बाहर में रहना बहुत दिक्कत होता है, छोटे छोटे बच्चे को लेकर अकेले बाहर में पालना बहुत परेशानी होता है, बहुत परेशानी होती है। तो जिस तरह से यहाँ पे आनंद विहार में जो है पूरा टेंट लगा, सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, पंखों से लेकर हर चीज यहाँ पे है, और साथ साथ में देखा जाए तो यहाँ पे पुलिसकर्मी भी बैठे हैं इनकी देखभाल के लिए कि किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, जिम्मेदारियाँ अपनी पूरी तरह से निभाई जा रही हैं। और छठ के पर्व की बात की जाए तो अभी से यहाँ पे चहल पहल देखने को मिल रही है, छठ मनाने के लिए लोग बिहार जाने की बात करें और परिवार से अलग क्या रहना होता है, ये दर्द नज़र ही आता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी, कैमरामैन किशन के साथ राधिका। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।